गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश करेंगे। तो करते हैं शुरू अपनी इस वीडियो को और देखते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है। हमें साइन इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, थीटा के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, -1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस माइनस को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। और हम जानते हैं -sin θ इज इक्वल टू व्हाट, sin θ। हम इस माइनस को एंगल के साथ अंदर ले जाएंगे तो वो इसके इक्वल होता है, हम ये चीज़ जानते हैं पहले से। तो साइन जो है वन किस पर होता है, पाई बाई टू पर होता है। तो साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ से ये इक्वल हो गया साइन -θ के, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -θ इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई टू, एंड थीटा इज इक्वल टू -π/2। अब यहाँ पर देखिए साइन की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 to π/2। क्या ये इसके अंदर बिलोंग करता है, हाँ देखिए -π/2 है और यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि -π/2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 इज -π/2। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। क्या दे रखा है हमें, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। सेम प्रोसीजर, हम इसको इक्वल टू थीटा मानेंगे और यहां से कॉस को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। इस माइनस को इस साइड ले आए, यहां पे हो जाएगा -cos θ इज इक्वल टू 1/2। और देखिए कॉस 1/2 किस पर होता है, कॉस 1/2 होता है अपना कितना 60 पर, π/3 पर होता है, ठीक है ना, किस पर होता है, π/3 पर। तो देखिए यहां से ये तो हो जाएगा cos π/3 और इसको देखें cos π-θ दूसरे क्वाड्रेंट में है और दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -cos θ। मीन्स -cos θ को हम ऐसे लिख सकते हैं cos π-θ, ठीक है ना, क्योंकि cos π-θ किसके इक्वल होता है, -cos θ के होता है। तो इस -cos θ को हम लिख देंगे यहाँ पर cos π-θ। अब देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा π-θ इज इक्वल टू π/3। इस थीटा को इस साइड ले जाएंगे, π/3 को यहाँ ले आएंगे, π-π/3 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया, यहाँ पे आया 3π-π इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। देखिए इसकी रेंज के अंदर आता है ये 2π/3, 0 to π के अंदर। सो बोलेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट, क्या दे रखा है हमें, टेन इनवर्स ऑफ -√3। सेम वही चीज, हमें जो इसे इज इक्वल टू थीटा मानेंगे, इज इक्वल टू थीटा मानकर टेन को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू -√3। और इसको यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -cot θ। और √3 टेन पर हम जानते हैं किस पर होती है, टेन की वैल्यू √3, टेन की वैल्यू √3 होती है 60 पर, किस पर, 60 पर होती है, मीन्स π/3 पर होती है। तो ये हो जाएगा 10π/3, ये हो गया 10π/3। यहाँ से देखिए जैसे साइन के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना, ऐसे ही टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, -10θ को हम लिख सकते हैं tan ऑफ -θ, ठीक है ना, ये साइन और टेन के अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो जाएगा 10
ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, और थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस पाई बाई थ्री के, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। देखिए ये इसकी रेंज में आता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के अंदर आता है। तो हम बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज माइनस पाई बाई थ्री। क्या आ गई है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस पाई बाई थ्री। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस टू। क्या दे रखा है, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस टू। इसको हम दो तरीके से करेंगे, हम आपको इजी वाला भी बताएंगे। देखिए इज इक्वल टू थीटा, हमेशा इज इक्वल टू थीटा मानेंगे यहाँ से, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टू, या तो आप इसे इस साइड ले आओ तो भी काम बन जाएगा, या फिर हम जानते हैं कि जो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा के होता है, और यहाँ से माइनस टू है, इसको उल्टा करेंगे साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस वन बाई टू के। क्योंकि देखिए हमें कई बार ना कोसिकेंट सेक और इन कॉट की वैल्यूज़ को याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम उसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और साइन की वैल्यू हमें इजीली लर्न होती है। तो इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस साइन थीटा यहाँ पर वन बाई टू। अब देखिए साइन वन बाई टू किस पर होता है, याद करें साइन वन बाई टू किस पर होता है, साइन वन बाई टू होता है थर्टी पर, मीन्स साइन पाई बाई सिक्स, किस पर, साइन पाई बाई सिक्स पर। और यहाँ पर माइनस साइन थीटा किसके हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, बिलोंग्स टू क्या होता है, ये साइन की रेंज के अंदर आता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हाँ यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स माइनस टू इज माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, पाई बाई सिक्स हो जाएगी। अब देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पर यदि आप इसको इस तरीके से ना सॉल्व करना चाहें तो आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यदि आप इसको इस साइन की फॉर्म में कन्वर्ट ना करना चाहें और कोसेक से ही करना चाहें, तो यहाँ पर क्या है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टू, इस माइनस टू को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू टू। अब याद कीजिए कोसेक पर टू किस, जो कोसेक में टू के कब होती है इसकी वैल्यू, तो वो होती है थर्टी पर, मीन्स कोसिकेंट पाई बाई सिक्स। और देखिए साइन और कोसेक की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कोसिकेंट माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो देखिए ये कोसिकेंट की जो रेंज है उसके अंदर ही आता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना। तो ये इसकी रेंज के अंदर आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, माइनस पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई सिक्स। देखिए हमने इसे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके किया तो भी अपने पास वैल्यू मिली माइनस पाई बाई सिक्स, हमने इसको कोसिकेंट के रूप में ही करके किया तो भी हमें वैल्यू क्या मिली, माइनस पाई बाई सिक्स। आपकी मर्जी है, कोई भी तरीका इस्तेमाल करें तो वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाली है इसके अंदर। अब देखिए इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है हमें टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इसको क्या मानेंगे, इज इक्वल टू थीटा मानेंगे। यहाँ से टेन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, और माइनस को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर हो गया वन। अब माइनस टेन थीटा को आप जानते हैं हम कैसे लिख सकते हैं, टेन ऑफ माइनस थीटा, और वन टेन पर वैल्यू कब होती है, 10 पर वैल्यू होती है 1 10 पाई बाई 4 पर, ठीक है ना। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो देखिए ये 10 की रेंज के अंदर ही आता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये इसी रेंज के अंदर आता है। सो बोल देंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इसे भी इज इक्वल टू थीटा मानेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस टू,
ठीक है ना। अब हम देखिए, हम sec को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने sec को cos में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 1 बाई cos थीटा माइनस 2। अब cos थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी उलट दो यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। हमने इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर दिया यहाँ पर, ये cos थीटा हो गया माइनस 1 बाई 2। माइनस को इस साइड लाओ, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब हम जानते हैं कि माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। माइनस cos थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। और 1 बाई 2 वैल्यू कब होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई 2 60 पर, मीन्स cos पाई बाई 3 पर। तो यहाँ से देखिए, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्या है, 2 पाई बाई 3 0 टू पाई के अंदर ही आता है। सो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स माइनस 2 इज टू पाई बाई 3, ठीक है ना। इसके साथ ये क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस sec इनवर्स ऑफ माइनस 2। तो हम इसको कुछ फंक्शन नाम दे देंगे, मान लिया हमने इसको y मान लिया, और इन दोनों को आप अलग अलग से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम पहले सॉल्व करते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट 3, ठीक है ना। ये इसको मान लिया हमने थीटा के इक्वल, थीटा के इक्वल माना, तो यहाँ से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू और रूट 3। और tan पर रूट 3 वैल्यू कब होती है, tan पाई बाई 3 मीन 60 पर होती है tan थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या मिल गया हमें, पाई बाई 3। क्या मिल गया थीटा, पाई बाई 3 मिल गया। अब देखिए, sec इनवर्स ऑफ माइनस 2 ये हमने अभी सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, ये फिर से आ गया, इसे इज इक्वल टू 5 मान लेंगे। देखिए, हमने इसको थीटा माना, इसको कुछ और वेरिएबल, इसको 5 मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा sec 5 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको cos में चेंज कर लेते हैं, cos 5 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस 5। और 1 बाई 2 किस पर होता है, cos 1 बाई 2 होता है 60 पर, मीन्स cos पाई बाई 3। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस 5 इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 के। एज फर्दर क्वेश्चन, तो यहाँ पर y क्या बन गया, देखिए हमने इसको माना था थीटा और इसको माना था फाई। अब जो थीटा और फाई की वैल्यू आई है वो इसमें डाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर 3 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना हो गया, माइनस पाई बाई 3। एक बार आंसर टैली कीजिए। क्या आंसर आया है, माइनस पाई बाई 3, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फिनिश किया। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट है इसका tan इनवर्स ऑफ रूट 3, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस cot इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3। तो देखिए, हम इसको फिर से y के इक्वल मानेंगे, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको phi मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने माना tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आ गया, रूट 3 के आ गया। और tan रूट 3 किस पर होता है, tan रूट 3 होता है आई थिंक ये होता है आपका 60 पर, पाई बाई 3 पर। तो यहाँ से हो गया tan थीटा, सो थीटा क्या आ गया, पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हम निकालते हैं फाई की वैल्यू। तो देखिए, यहाँ से cot इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 इज इक्वल टू फाई, यहाँ से क्या हो गया, cot 5 इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ठीक है ना। माइनस को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot 5, और यहाँ पर ये रूट 3 है। तो देखिए, cot माइनस cot 5 किसके होता है, ये होगा cot ऑफ पाई माइनस 5। इस बात को याद रखें, cos और cot को हम पाई माइनस में तोड़ते हैं, रिमेंबर दैट। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस में, कि cos और cot को हम पाई माइनस में तोड़ लेते हैं, क्योंकि cot पाई माइनस 5 किसके इक्वल होगा, माइनस cot 5 के इक्वल होगा,
कॉट पाई माइनस फाई। अब देखिए रूट थ्री किस पर होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू रूट थ्री होगी पाई बाई सिक्स मीन्स 30 पर, कॉट पाई बाई सिक्स पर। तो यहाँ से क्या आएगा, पाई माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। इसको इस साइड ले आएंगे, उसको उस साइड ले जाएंगे, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू फाई। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू फाई। थीटा की वैल्यू मिल गई, फाई की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर डाल दो, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पाई माइनस 5 पाई इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 6। क्या आ गया है इसका आंसर, माइनस 3 पाई बाई 6। तो देखिए यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2। क्या आ गया है आंसर, माइनस पाई बाई 2। अब देखिए इसका थर्ड, सॉरी ये सेकंड पार्ट है, अब हम सेकंड पार्ट है ये, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, टेन इनवर्स इंटू टू साइन टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख के घबराना नहीं है। पहले हम इसके सबसे अंदर वाली टर्म उठाएंगे, ये वाली कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। हमने उठाया कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा, इसको थीटा के एक पर मान लिया। यहाँ से हो गया कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब कॉस थीटा पर अंडर रूट 3/2 वैल्यू कब होती है, इस पर होगी पाई बाई 3 पर, किस पर होगी, सॉरी 30 पर, पाई बाई 6 पर, 30 पर अंडर रूट 3/2 वैल्यू होती है कॉस की। तो ये हो गया पाई बाई 6। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिली, पाई बाई 6 मिल गई हमें। तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है। अब यहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स टू साइन टू इंटू क्या आई है, पाई बाई 6। तो यहां पे ये कट जाएगा पाई बाई 3। अब देखिए टेन इनवर्स टू साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, मीन्स साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। तो ये हो गया टेन इनवर्स टू इंटू अंडर रूट 3/2। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या केवल, यहाँ पे बच गया है केवल टेन इनवर्स अंडर रूट 3। तो देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट 3, अब टेन पर अंडर रूट 3 कब होती है वैल्यू इसकी, हम इस अंडर रूट 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन ऑफ पाई बाई 3 मीन 60 पर होती है पाई बाई 3 पर, तो अंडर रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं टेन पाई बाई 3। ये डायरेक्ट मेथड है, हर बार जरूरी नहीं है कि आप इसको थीटा के इक्वल मानेंगे, अब चीज़ों को डायरेक्ट करना शुरू करेंगे हम। तो देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 को हमने ऐसे लिख लिया टेन ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि इक्वल होता है इसके, टेन पाई बाई 3 की वैल्यू ये होती है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, पाई बाई 3। ध्यान से देखें इस चीज़ को, हमने अंडर रूट 3 की जगह लिख लिया टेन पाई बाई 3, सो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हुआ और वैल्यू क्या मिल गई हमें, पाई बाई 3। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसके तीन पार्ट्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, हम सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर इनवर्स वाली टर्म को कुछ वैल्यू मान लेंगे हम। हमने मान लिया यहाँ पर जो है कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हम इसको इस साइड लाएंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब हमने इस टर्म को क्या माना है, इस टर्म को माना है हमने थीटा, तो यहाँ से इसको y नाम दे दो, y इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो ये हो गया साइन थीटा के बराबर, और कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, तो साइन थीटा की कॉस थीटा के टर्म्स में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर आप कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस 3/5 का स्क्वेयर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 9/25। अब एलसीएम आ गया 25, यहाँ पर बचेगा क्या, 25 माइनस 9 ये हो गया, ऊपर आया 16, नीचे आया 25, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 के। तो देखिए यहाँ से हो गया, ये आ गई इसकी वैल्यू 4/5, ठीक है ना। अब देखिए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, हम इसमें भी इनवर्स वाली टर्म को थीटा मान लेंगे। यहाँ पर तो हो गया साइन इनवर्स 8/17,
इसको थीटा मान लिया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 8/17। क्या हो गई साइन थीटा की वैल्यू 8/17। तो ये वाली टर्म क्या बन गई अब यहाँ पर कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है तो इसमें डाल दो साइन थीटा की वैल्यू 1 - 8/17 का स्क्वेयर, 1 - 8/17 का स्क्वेयर। अब देखिए इसका स्क्वेयर खोल लेते हैं तो क्या होगा 1 - 8 का स्क्वेयर 64 और 17 का स्क्वेयर 289। क्या होता है 289। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 289, यहाँ पे आएगा 289 - 64, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाओ क्या बचेगा 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ पर 225/289। 225 किसका स्क्वेयर होता है 15 का स्क्वेयर होता है और नीचे 15/17, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, देखिए क्या है, हम इसको मान लेंगे साइन इनवर्स ऑफ -3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या है -3/5, साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास -3/5, और ये वाली टर्म क्या बन गई अब यहाँ पर कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे √1 - sin² थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है अपने पास तो डालो इसमें वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा -3/5 का स्क्वेयर 1 - 9/25। क्या आ गया ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 25, 5 का स्क्वेयर। तो देखिए क्या बन गया यहाँ पर अपॉन में एलसीएम आया 25 - 9, ये आ गया 16/25, ये क्या बन जाएगा 4/5, क्योंकि 16 का स्क्वेयर 4 होता है, 4 का स्क्वेयर ये 5 का स्क्वेयर, और यही क्या है अपना इसका आंसर है। अब देखिए इससे आगे के पार्ट्स, कॉस टेन इनवर्स 3/4, हम इसमें क्या करेंगे टेन इनवर्स 3/4 को क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, टेन इनवर्स 3/4 को क्या मान लिया हमने इसमें थीटा मान लिया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3/4, और ये वाली टर्म क्या बन गई कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा को टेन की टर्म्स में पहुंचाना है ताकि हमें आंसर मिल जाए, तो टेन की टर्म्स में इसे हम कैसे पहुंचाएंगे, देखिए कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sec थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, और sec थीटा के और टेन के बीच में एक रिलेशन होता है sec² थीटा - tan² थीटा = 1, हमें sec के और टेन के बीच में रिलेशन चाहिए तो ये हो जाएगा sec² थीटा, ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा, और स्क्वेयर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + √10² थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 + tan² थीटा, मीन sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन की टर्म्स में 1 + tan² थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर √1 + tan² थीटा, लिख दिया हमने इसको। अब देखिए अब हमें अपने पास टेन की वैल्यू है, इसमें डाल देंगे यहाँ पर 1/√1 + 3² 9 और 4² 16, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/√ एलसीएम आया 16 + 9 कितना हो गया 25, यहाँ पे आ गई वैल्यू क्या 25 - 5/4 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वेयर खुलेगा 5 और इसका स्क्वेयर खुलेगा 4, इस 4 को ले जाएंगे ऊपर तो क्या आ गया इसका आंसर 4/5। देखिए अपने पास जो यहाँ वैल्यू होती है हम उस टर्म को इस टर्म के में तोड़ दें ताकि हमें अपना आंसर मिल जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थीटा मान लेंगे sec inverse 5/3 = थीटा, यहाँ से क्या हो गया sec θ = 5/3, sec θ किसके इक्वल आया 5/3 के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ से जो ये क्या टर्म क्या बन गई ऊपर वाली, ये बन गई cos θ, अब cos θ को शायद sec की टर्म में तोड़ सकते हो तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं 1/sec θ की तरह तोड़ सकते हैं, तो sec θ की वैल्यू अपने पास है डाल दो यहाँ पर 5/3, तो क्या हो गया इसका आंसर 3/5, क्या हो गया इसका आंसर 3/5। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस टर्म को मान लेंगे, इस टर्म को मान लिया हमने cos inverse 4/5 को θ मान लिया, तो cos θ किसके इक्वल आ गया 4/5 के आ गया, और ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, ऊपर वाली टर्म बन गई sin θ/2, देखिए यहाँ पर ये θ / 2। अब देखिए sin θ / 2 को आपको तोड़ना है cos की टर्म्स में,
तो हम 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1 cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin² θ/2 के, मीन्स यहाँ पर जो एंगल होता है उसका आधा कर देते हैं, हमने वो ऐसे पढ़ा था 1 cos 2θ = 2 sin² θ, यहाँ पर जितना एंगल होता है उसका आधा कर देते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए साइन की टर्म्स में थीटा बाई टू, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस में केवल क्या लिया है, थीटा लिया है, ठीक है ना। तो देखिए हमें लिखना किसको है, हमें साइन थीटा बाई टू को कॉस की टर्म्स में लिखना है, तो पहले तो इस टू को ले आएंगे नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 1 cos θ/2, यहाँ पर क्या है sin² θ/2, इस स्क्वेयर को और इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा sin θ/2 √1 cos θ/2। तो साइन थीटा बाई टू को कॉस की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, √1 cos θ/2, आपको ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप इसको यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए साइन थीटा बाई टू को हम कैसे लिख सकते हैं, √1 cos θ/2, ठीक है ना, लिख दिया हमने। अब कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास है, वो वैल्यू हम उठा के यहाँ डाल देंगे, 1 − 4/5/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आया, 5 − 4 और अपॉन में 2 चल ही रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया 1/5/2 √, तो क्या आ गया √1/10, क्यों, देखिए इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √1/10, या फिर इसको ऐसे लिख दें 1/√10, तो भी क्या है ये अपना आंसर मिल गया हमें यहाँ पर। इसके साथ ये क्वेश्चन होते हैं फिनिश। अब देखिए अपना 7th और 8th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, sin π/2 − sin inverse − √3/2, तो हम इसको मान लेंगे, इसमें क्या थीटा मान लिया, इसकी अलग से वैल्यू निकाल रहे हैं हम ताकि हमें इजी हो जाए यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा sin θ = −√3/2, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं छोटी वाली टर्म्स में, अभी क्वेश्चन के बीच में आ गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर −sin θ, माइनस को इस साइड लाएंगे √3/2, अब −sin θ किसके इक्वल हो जाता है sin −θ के, और √3/2 किस पर होती है sin की वैल्यू, sin √3/2 होता है आपका sin π/3 मीन 60 पर होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो गया π/3 के, और थीटा किसके इक्वल हो गया −π/3 के, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम इसकी, तो क्या हो जाएगा sin π/2 माइनस, इसकी जगह पे क्या आएगा −π/3, क्या आ गया −π/3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया sin π/2 + π/3, एलसीएम ले लो यहाँ पर, क्या बनेगा एलसीएम 6, और ये हो गया क्या 3π + ये यहाँ हो गया 2π, मीन्स 5π/6, तो क्या आ गया sin 5π/6। अब 5π/6 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए इस एंगल को ऐसे एंगल में तोड़िए जिसकी वैल्यू आप जानते हो, तो हम जानते हैं कि sin π − θ किसके इक्वल होता है sin θ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हम इसको ऐसे लिख लें sin π − π/6, हमने लिख दिया इसको π − π/6, ठीक है ना। तो देखिए sin π − π/6 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमने 5π/6 को बस इस तरह से लिख दिया है, ठीक है ना, 5π/6 को इस तरह से लिख दिया क्योंकि एलसीएम लोगे यहाँ पे आएगा 6π, यहाँ पे आएगा पाई, 5π/6 वही चीज़ है, बस हमने उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके लिख दिया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि sin π − θ किसके बराबर होता है sin θ के, तो यहाँ पर sin π − θ किसके हो जाएगा sin π/6, और sin π/6 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है वैल्यू 1/2। यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करें, यदि इस तरह से आपको साइन में बड़ी वैल्यू मिले 5π/6, तो हम उसको ऐसे तोड़ते हैं sin π − और कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे कि यही बन जाए, ध्यान से देखें इस चीज़ को, कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे कि यही एंगल बन जाए। यदि यहाँ पर बात हो ऐसे ही कॉस की, कॉस 5π/6, तो हम ऐसे केस में कॉस को कैसे तोड़ते हैं, हम कॉस को तोड़ते हैं 2π − यहाँ पर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे कि प्लस हो या माइनस हो यही बन जाए, क्योंकि देखिए cos 2π + मतलब
यहाँ पे होता है 2 पाई, 2 पाई माइनस स्क्वाड्रेंट में 2 पाई पॉजिटिव, स्क्वाड्रेंट में मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर भी कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा। हमें केवल इन दो क्वाड्रेंट्स में डील करेंगे 2 पाई के केस में और कॉस को ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आगे आपके काम आएंगी आगे के क्वेश्चंस में। तो देखिए अब अपना ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, टेन इनवर्स 2 साइन 1/2 साइन इनवर्स √3/2, तो हम इसको मान लेंगे साइन इनवर्स √3/2 को क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, विच इम्प्लाइज दैट कि साइन √3/2 किस पर होता है, पाई बाई थ्री पर, किस पर होता है पाई बाई थ्री पर होता है, साइन थीटा मीन्स साइन 60 पर, साइन पाई बाई थ्री, तो थीटा किसके इक्वल आ गया पाई बाई थ्री के आ गया, ये वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू डाल दो, टेन इनवर्स 2 sin 1/2 और इसकी वैल्यू क्या आई है पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा पाई बाई सिक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 sin π/6 और साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होगी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा आपके पास tan इनवर्स 1। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, tan में 1 किस पर होती है वैल्यू, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स इसको ऐसे लिख दे tan पाई बाई 4 बाई tan 45, tan 45 की जो वैल्यू होती क्या होती 1, तो 1 को tan 45 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या केवल पाई बाई 4 और यही क्या होगा अपना आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए अपना 9th और 10th क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है आपको, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसमें आप इस वाली टर्म को क्या मान लेते हैं, हम इसको थीटा मान लेते हैं और इसको क्या मान लें फाइव मान लें, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से देखिए आप इसको ना ए और बी मानिए, अपनी सिंपलिसिटी के लिए इसको ए और बी मान लेते हैं, ठीक है ना, हमने इसको ए माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 और यहाँ पे हो गया साइन बी इज इक्वल्स टू 5/13। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पहले ही अंदाज़ा लगा लीजिए साइन ए प्लस बी हो गया, ये हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी का आप फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको पता चल गया कि आपको ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, यदि आपको कॉस ए मिल जाए कॉस बी मिल जाए साइन ए साइन बी मिल जाए तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए अपने पास साइन ए तो है, साइन बी चाहिए और यहाँ पर देखिए साइन बी भी है, साइन ए है साइन बी है, कॉस ए कॉस बी निकालना है आपको, तो साइन ए की मदद से आप कॉस ए निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे, कॉस ए क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वेयर है, यही होता है ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 - 9/25 तो क्या हो जाएगा ये 4/5 क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिए, चलो 25 यहाँ पे आ जाएगा 25 - 9 ये आएगा 16/25 तो ये क्या आ गया 4/5 आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉस भी किसके इक्वल होगा 1 - साइन स्क्वेयर बी के, इसको इरेज करते हैं अभी यहाँ से, 1 - sin²b के होगा, इसमें वैल्यू डालो यहाँ पर 1 - 25/13 का स्क्वेयर 169, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 169 - 25 यहाँ पर, तो क्या हो गया ऊपर आ गया 144 और नीचे 169, 144 12/13 मींस कॉस बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 12/13। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बना है कॉस ऑफ ए प्लस बी का, ये क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सारी वैल्यूज अपने पास हैं तो डालना शुरू करते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या है अपने पास 4/5 और कॉस बी की वैल्यू क्या है 12/13, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5,
और साइन बी की वैल्यू क्या है 5/13। यहाँ पे हो जाएगा ये, देखिए नीचे एलसीएम तो 13 × 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 13 × 5 और यहाँ पर भी 13 × 5। ऊपर क्या बन रहा है 48 माइनस यहाँ पर 15, इसमें से सबट्रैक्ट करो कितना आ गया 3/65। ठीक है ना, 8 − 5 = 3 और 4 − 1 = 3 मीन्स 33/65। यही अपना आंसर है। ध्यान से देखें क्या किया है हमने, इस वाली टर्म को मान लिया ए और इस वाली टर्म को क्या मान लिया बी मान लिया, और हमने इसमें फॉर्मूला लगाया कॉस ए प्लस बी का, तो हमें पता चला कि वो किसके इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की। मीन्स हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए यहाँ पर और हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो हमारे पास साइन ए और साइन बी की वैल्यूज तो थी, तो हमने साइन ए और साइन बी की मदद से कॉस ए और कॉस बी की वैल्यूज और निकाल कर यहाँ पर पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया अपना आंसर मिल गया। अब ज़रा देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी हम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले टर्म को हम मान लेते हैं ए साइन इनवर्स ए, सॉरी साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/4, साइन ए की वैल्यू मिल गई 1/4। अब कॉस ए की और निकाल लेते हैं यहीं से, क्या होगी 1 − sin² a, ये हो गया 1 − 1/16, क्या हो जाएगी 1 − 1/16। तो क्या होगा यहाँ पर 16 और ये 16 − 1 क्या हो गया √15/4। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा √15 और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई। इस वाली टर्म को मान लेते हैं हम b, हमने इसको मान लिया b, मीन्स sec ऑफ b 4/3। लेकिन देखिए वही फार्मूला है cos ऑफ a प्लस b, इसमें sec नहीं आएगा, इसको cos की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो cos b किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के। cos b किसके इक्वल हो गया 3/4 के हो गया, तो यहाँ से साइन भी निकाल लें। जब हम साइन भी निकालेंगे तो 1 − cos² b किसके इक्वल होता है वो 1 − cos² b के। यहाँ से देखें तो 1 − cos² b क्या हो जाएगा, देखिए cos² b की वैल्यू डाली 9/16, क्या हो गई 9/16 हो गई, और यहाँ पर आ गया 16, यहाँ पर 16 − 9, 16 में से 9 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा √7/4, क्योंकि 4 16 का तो रूट खुलेगा तो वो बन जाएगा 4। अब अपने पास वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस ऑफ इसको माना है हमने ए और इसको मान लिया है बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, अब अपने पास सारी वैल्यूज है पहले से ही, तो वैल्यूज डालना शुरू करते हैं हम। यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू क्या है √15/4 मल्टीप्लाई, कॉस बी की वैल्यू क्या है √7/4 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/4 और साइन बी की वैल्यू क्या है अपने पास, सॉरी यहाँ पर कॉस बी की वैल्यू गलत पुट कर दी हमने, कॉस बी की वैल्यू क्या है 3/4, कॉस बी की वैल्यू क्या है 3/4 और साइन ए की वैल्यू क्या है अपने पास 1/4 और साइन बी की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ से √7/4। ठीक है ना, अब नीचे एलसीएम देखेंगे तो क्या आएगा 4 × 4, यहाँ पे क्या हो गया 3 √15 और यहाँ पे हो गया √7, 3 √15 माइनस √7/16 क्या हो गया 3 √15, तो क्या आ गया है इसकी मल्टीप्लाई करने पर 3 √15 माइनस √7/16 और यही क्या है इसका आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। इससे अपने आगे के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।